देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज़ प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। राजनीति की चाल, उठाव और ढलान। नीतीश कुमार ने अपने ढंग से व्याख्या करने को मजबूर किया राजनीतिक पंडितों को। अंक गणित को साबित किया सर्वोपरि, जिसके सामने नीति सिद्धांत बोली वचन का कद छोटा सा। राखी में बाजार रहा गुलजार, भाइयों की कलाई में राखी सजाने की, बहनों की खुशियों से सराबोर रहा श्रावण का आखिरी दिन। और अमृत महोत्सव में डाकघर में प्रदर्शनी के माध्यम से दिखा आजादी के दीवानों का त्याग बलिदान। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक ए सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने, लहरियासराय। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और अब समाचार विस्तार के साथ। राजनीति की चाल, राजनीति का उठान और फिर ढाल। नीतीश कुमार ने अपने ढंग से इसकी परिभाषा लिख दी है, कहा जाए तो गलत और आश्चर्य नहीं होगा। आठवीं बार बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार हुए और उन्होंने एक साथ कई शब्दों का व्याख्या करने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया। अंक गणित क्या है, सब पर भारी है, और इस पर अगर हम बात करें तो राजनीति में बोली वचन सिद्धांत नीति से हटकर गणित ही सर्वोपरि है, जो संविधान भी मानता है, कानून को भी मानना पड़ता है, ऐसा उन्होंने कह दिया। सबको खुश होने का मौका बारी बारी से उन्होंने दिया। अपने हिसाब से उन्होंने कुर्सी की गणित को व्याख्या कर स्थापित किया, और लाख कोई इधर उधर कह ले, उन्होंने बताया कि अंक गणित सर्वोपरि है, राजनीति की यही भाषा है, जिसे संविधान और कानून को मानना मजबूरी। इतिहास में चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी तो बहुतों ने सुनी जानी, उसका वृतांत वर्णन किया, यथार्थ सब निकाला, लेकिन आजाद देश में राजनीति की परिभाषा को नीतीश कुमार ने अपने ढंग से चरितार्थ किया और राजनीतिक पंडितों को इसका व्याख्या करने के लिए मजबूर कर दिया। कामरान और ज्योति बसु को छोड़ दें तो अपने हिसाब से आजादी के बाद सत्ता पर मुख्यमंत्री के रूप में काबिज रहे, लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता पर आठवीं बार शपथ लेकर यह बताने को मजबूर कर दिया कि अंक गणित भले ही कम हो, जोड़ घटाव भले ही सिंपल हो, लेकिन इसके कई गुना भाग होते हैं जो अंत में कारगर होते हैं, और राजनीति में नीति सिद्धांत मायने वचन और रिश्ते से अलग गणित ही सर्वोपरि होता है, और जिसकी चाल वो बखूबी जानते हैं, इसीलिए आठवीं बार मुख्यमंत्री बनना उन्होंने कैसे बना जाता है यह बता दिया, जता दिया। आलोचनाओं से अलग हटकर उन्होंने बताया कि संविधान और कानून को भी मानना पड़ता है, और वे इसके माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार सबके हैं यह भी उन्होंने साबित कर दिया, कभी भाजपा के, कभी महागठबंधन के।
आलोचना लोग उनकी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी नीतीश कुमार इन आलोचनाओं से अलग हटकर उल्टा सवाल जब बोलते हैं तो जवाब देने वालों के पसीने छूटते हैं। उदाहरण के रूप में देश की जनता ने 2015 में महागठबंधन को वोट किया और फिर दो साल के बाद 2017 के सावन में उनका वोट एनडीए में चला गया। नीतीश कुमार ने महागठबंधन को किनारे लगा करके एनडीए को गले लगाया। ऐसे में एनडीए वाले चुप थे, महागठबंधन कहते थे यह धोखा हुआ है, नीतीश कुमार ने धोखा किया है। लेकिन अंकगणित सर्वोपरि था, एनडीए वाले खुश थे, नीतीश का पीठ थपथपा रहे थे। वक्त बदला, समय बदला, सत्ता बदली और 5 साल के बाद इस सावन में खुशियां बटोरने का क्षण आया महागठबंधन के लोगों को, और इस बार महागठबंधन के साथ हो गए नीतीश। 2020 में जनमत मिला था एनडीए के साथ और वे हो गए महागठबंधन के साथ। एनडीए वाले चिल्ला रहे हैं यह धोखा है, फरेब है, लेकिन नीतीश कुमार चुपके से मुस्कुराकर उन्हें याद दिला रहे हैं कि इस धोखे में तो आप भी भागीदार थे। आपके साथ 2017 में हमने सत्ता में भागीदारी की थी, तब आप इसे धोखा क्यों नहीं कर रहे थे? और इस सवाल पर चुप्पी साध रहे हैं एनडीए के लोग। भले ही आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन हो, कहीं मातम हो, लेकिन नीतीश कुमार नीतीश कुमार हैं और उन्होंने अपने ढंग से महागठबंधन का उपयोग किया, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का उपयोग किया और बता दिया, जता दिया कि वे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं जो 2005 से लगातार दूसरे दशक में अपने हिसाब से सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना जानते हैं। किसी की बदौलत है लेकिन एहसान नहीं दिखाते करते, वह बताते हैं कि राजनीति उनके हिसाब से चलेगी। अंकगणित यही है, संविधान जान लो, कानून को पहचान लो। कुछ घंटे पहले तक इन्हें मालूम नहीं था कि ये खुशियों का क्षण आएगा, पटाखे छूटेंगे, खुशियां बटोरेंगे, सत्ता उनकी होगी, भागीदारी होगी, लालू यादव का झंडा लहराएगा, नीतीश कुमार जिंदाबाद कहने के लिए वे सड़क पर आएंगे। किसी को मालूम नहीं था, और नहीं मालूम था एनडीए के नेताओं को कि मुहर्रम की मातम के बाद भाजपा का भी वो क्षण आएगा। लगातार नीतीश कुमार पर चढ़ाई करके सत्ता का ख्वाब लगातार और ऊपर देखने वाले सीधे धराशायी हो जाएंगे, जमीन पर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नीतीश को माननीय कहने वाले अनाप शनाप बोलेंगे और आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, कहीं मातम मनाएंगे, लेकिन कुर्सी चली गई यह एहसास न था। नीतीश कुमार ने दोनों दलों को यह एहसास करा दिया कि वक्त सबसे बड़ा है और राजनीति कैसे की जाती है सीखना है तो हमसे सीखो। बता देते हैं कि यहाँ नीति नहीं, सिद्धांत नहीं, बोली नहीं, वचन नहीं, राजनीति चलती है, जिसका अंक गणित संविधान भी मानता है, कानून भी जानता है, और यही नीति होती है जो सर्वोपरि है। आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, लेकिन सत्ता पर काबिज है नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री के रूप में चेहरे बदल गए, पार्टी बदल गए, लोग बदल गए, नीतीश कुमार नहीं बदले, राजनीति के चरम पर वही है, 8वीं बार कुर्सी पर काबिज है। रक्षाबंधन पर गुलजार रहा बाजार, 2 वर्ष कोरोना की मार और उसके बाद राखी की जो उत्सव है उसकी एक अलग झलक। बहने अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधने के लिए बाजार में घूमती रही, अपने हिसाब से मनपसंद राखियां। दुकानदार भी इस बार खुश रहे, 2 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ा हर पर्व जिसमें राखी भी रहा था। राखी का त्योहार आया है, बहनों के लिए खुशियां अपरंपार लाया है, अपने हिसाब से भाइयों की कलाइयों के लिए राखी चुनने के लिए बेताब बहने बाजार में घूमती रही और बाजार गुलजार रहा। 2 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ा, 2020 और 21 की बात करें तो
आम पर्व की तरह राखी का भी यही हश्र हुआ, लेकिन लगातार दो वर्ष के बाद तीसरे वर्ष बहनों के लिए भी खुशियां परम्पार और बाजार भी है गुलजार। बहनों का यह पर्व हर बहने अपने भाई को चाहे वह दूर दराज ही क्यों न हो डाक से राखी भेजती है, पार्सल से, स्पीड पोस्ट से, और जब नजदीक हो तो खुद जाकर कलाइयों में राखी बांधना नहीं भूलती। ये पावन त्योहार अरसे से चला आ रहा है, जहां संस्कृति भी मिलती है, जहां बहन और भाई का प्रेम भी झलकता है। देश भर में मनाया जाता है यह त्योहार अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में, और बाजार में करोड़ों अरबों का होता है राखी का कारोबार, और यह पूर्ण रूप से है बहन और भाई के प्यार का त्योहार। बहुत अच्छा मार्केट है, अभी मतलब रेशम वाला का ज्यादा डिमांड है, एडी स्टोन वाले का ज्यादा डिमांड है। एडी स्टोन 20 रुपया, 50 रुपया, 20 तक नहीं है, 100-200 का भी है। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया। 100-150 तक इस बार रखे हैं राखी। कल ये बच्चों में सिर्फ लाइट वाली राखी बिक रही है और कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी इसी ही राखी का डिमांड है। एक तबका फैंसी खोजते हैं, दूसरा तबका जो है सो कम दाम कीमत हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। कैसा मार्केट है? मार्केट को उतना बढ़िया भी नहीं कह सकते हैं, बट अभी तो शाम बाकी है। हाँ हाँ, इसको ठीक ही कहेंगे, 100% नो डाउट। 100 रुपये से लेकर 350 तक मैजिक वाली आती है, बच्चे के लिए लाइट वाली आती है, टेडी बियर में आती है, सभी प्रकार की। किस तरह का राखी है जिसका ज़्यादा डिमांड है मार्केट? 20-30 का रेंज का ही डिमांड है, ज़्यादा 20-50 तक का होगा। कराना ही अच्छा था, कराना के बाद सब। अमृत महोत्सव के तहत आज़ादी से संबंधित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया डाकघर में। आजादी के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के जो बलिदान और त्याग है उसे दर्शाया गया। इसका उद्घाटन विधान पार्षद हरी सहनी ने किया। आजादी के दीवाने की अलग अलग कहानी है, नए पीढ़ी को इसका जानना जरूरी है। आजादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव के तहत प्रधान डाकघर लहरिया सराय में देश की आजादी के लिए लोगों ने क्या कुछ कठिनाइयां झेली, उनके त्याग और बलिदान की कहानी को दर्शाया गया प्रदर्शनी के माध्यम से। तमाम तस्वीरों के माध्यम से नई पीढ़ी को बताया गया कि देश वैसे ही आज़ाद नहीं हुआ, 75 वर्ष के पूरा करने के पीछे कितना योगदान और बलिदान है, नई पीढ़ी जान ले। विधान पार्षद हरी सहनी ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर काफी लोग मौजूद थे और युवा पीढ़ी काफी उत्सुकता से उस इतिहास को टटोलने में, चित्र को पहचानने में काफी गंभीर दिखे इस अमृत महोत्सव के प्रदर्शनी में। आजादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद करते हैं, शुभकामना देते हैं कि हर घर झंडा लगे, इस पर वो ध्यान दिए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज़ादी के समय देश बंटवारा हुआ, तो बंटवारे के विभीषिका को भी, उसका भी तो आज अमृत महोत्सव है। उस अवसर स्मृति दिवस है, इसमें जो देश में उस समय जितना वो झेले थे, कठिनाई झेले थे, उस सारे चित्र को प्रदर्शित किया गया है और हमारे जो बीते हुए समय में जो घटना घटी थी वो अपने आने वाले पीढ़ी को जानकारी देने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया है। क्योंकि यहाँ आजादी के दीवानों की तस्वीर उपलब्ध, तस्वीर दुर्लभ तस्वीरों का प्रदर्शनी इस अमृत महोत्सव में। और एक दिन पहले डाक कर्मियों की हड़ताल हुई, जी हाँ, राष्ट्रव्यापी हड़ताल, जिसमें विभिन्न मांगों के समर्थन में इन लोगों ने डाकघर को बंद रखा। और लोकतंत्र की खूबसूरती डाकघर में ही, एक दिन पहले अपनी मांगों के समर्थन में डाक कर्मियों ने ताला लटकाया और दिन भर बंद रखा डाकघर।
दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के द्वारा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय प्रदर्शन और हड़ताल किया गया। दैनिक कार्यों को बाधित रखा गया। मौके पर दरभंगा डाक कर्मचारी संघ के राजू झा उगना ने कहा कि सरकार की विरोधी नीतियों से तंग आकर कर्मचारी इस तरह के आंदोलन करने पर मजबूर हैं। इन्होंने कहा कि दरभंगा प्रमंडल के दोनों प्रधान डाकघर सहित 46 उप डाकघर 325 शाखा डाकघरों में पूरे दिन कार्य बाधित है और लगातार अभिकर्ता तक इसमें सहयोग कर रहे हैं। दरभंगा डाक प्रमंडल द्वारा डाक विभाग में जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एनपीएस को खत्म किया जा रहा है, एनपीएस जो लागू किया जा रहा है, ओपीएस को खत्म कर दिया गया, एमटीएस का पोस्ट खाली है, हमारे यहाँ पीए का बहुत सारा पोस्ट खाली है जिसको कि एमटीएस से पोस्टमैन से भरने की जरूरत है, विभाग खामखा बहाना करके उसको लगा रहा है, आरएमएस का सेक्शन हमारा खत्म कर रहा है, सेविंग्स वर्क जो है पोस्ट ऑफिस का उसको आईपीवी में मर्ज करने से जिसमें हमारे 5 लाख से अधिक राष्ट्रीय बचत अभिकर्ता जो रोड पर आ जाए, जिनकी रोजी रोटी की इसके विरोध में हम लोग हैं, ऑपरेशन करने के कारण हम अभिकर्ताओं जो निवेश घर घर से लगा चूंकि अलग बचत योजना के अभिकर्ता है, हम लोग घर घर से समझा के एफडी कराने का काम करते हैं जो राज्यों को विकास में सहयोग मिलता है। और आज ने केंद्र सरकार ने एक ऐसा योजना है कि आप घर बैठे फिक्स आप कर सकते हैं, सभी खाता घर बैठे आप खोल सकते हैं। तो हमारा जो 5 लाख अभिकर्ता है जो रोड पर आ जाएंगे उनका रोजी रोटी का व्यवस्था कौन करेगा? बहरहाल चिंता विज्ञान वरदान है, अभी साफ है और ऑनलाइन की स्थिति भी यही हो रही है। जब डाकघर ऑनलाइन खाता खोल रहा है ऐसे में 5 लाख से अधिक जो बचत अभिकर्ता हैं उनकी रोजी रोटी पर सवाल, यह भी एक मुद्दा आंदोलन का। अमृत महोत्सव में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगाया जाएगा। इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा मोटरसाइकिल जुलूस तिरंगा यात्रा निकाली गई। युवाओं ने ठाना है आजादी के अमृतसर महोत्सव पर हर घर तिरंगा लहराना है। जी हां, इसकी सफलता के लिए 13 से 15 अगस्त तक जो कार्यक्रम है उसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा ने मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा निकाली। दरभंगा टावर के महात्मा गांधी की मूर्ति के परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर इसकी शुरुआत की गई। भाजपा के जिलाध्यक्ष जीवत सहनी ने माल्यार्पण किया और यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा भगत सिंह चौक पर वीर भगत सिंह के मूर्ति की भी साफ सफाई कर आगे बढ़ी। सुभाष चौक पहुंची, वहां भी मूर्तियों की सफाई की, फिर चंद्रशेखर आजाद जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर स्वच्छता अभियान चलाया और आगे बढ़ता रहा। अमृत महोत्सव के अवसर पर युवा भारतीय जनता पार्टी दरभंगा के जो जिलाध्यक्ष हैं बालेंदु झा के नेतृत्व में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आईटी सेल के अंकित सक्सेना, सुजित मल्लिक, ज्योति कृष्ण झा, अभयानंद झा, तनवीर हसन, राजेश रंजन, प्रेम कुमार मिश्रा, सचिन जैन के साथ मुकेश महासेठ, गजेंद्र मंडल, रवि प्रकाश, जय भारद्वाज, नितिन कुमार, रविचंद्र वंशी, ऋषभ कुमार, राहुल चौधरी, आर्यन कुमार, प्रदीप झा, अमरदीप कुमार, संजीत कुमार, विक्की कुमार इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे इस यात्रा के साथ। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यह पूरे वर्ष अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसी अमृत महोत्सव के अंतर्गत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी के 75वें वर्ष के शुभ अवसर पर हर घर तिरंगा फहराने का लहराने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे देश में मनाया जाएगा। कि आज़ादी हुआ 75 साल पूरा हो गया है। इस 75 साल के आज़ादी के पूर्ण के उपलक्ष्य में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव के रूप में देश में मनाने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि भारत के संपूर्ण घरों पर
तिरंगा झंडा लगाया जाए। जो मना रहे हैं हम लोग महोत्सव, उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री के आह्वान पर हर घर तिरंगा लहराना है, उसके जागरूक करने के लिए 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने मोटरसाइकिल जुलूस निकाली। आज युवा मोर्चा के तरफ से जागरूक अभियान कर रहे हैं घर घर जाकर, कि वो अपने घर पर 13 से लेकर 15 तक झंडा फहराएं। सत्ता परिवर्तन से अलग आहट, आजादी के जंग में अमृत महोत्सव के रंग में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्तागण अपने भाजपा नेताओं के साथ रैली में। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबको का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। राजनीति की चाल, उठाव और ढलान, नीतीश कुमार ने अपने ढंग से व्याख्या करने को मजबूर किया राजनीतिक पंडितों को। अंक गणित को साबित किया सर्वोपरि, जिसके सामने नीति सिद्धांत बोली वचन का कद छोटा सा। राखी में बाजार रहा गुलजार, भाइयों की कलाई में राखी सजाने की, बहनों की खुशियों से तराबोर रहा श्रावण का आखिरी। और अमृत महोत्सव में डाकघर में प्रदर्शनी के माध्यम से दिखा आजादी के दीवानों का त्याग बलिदान। पृथ्वी दिवस पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिला स्कूल में। और पृथ्वी दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिला स्कूल दरभंगा में, और इसके प्राचार्य डॉक्टर नरेश कुमार झा की अध्यक्षता में स्कूल परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रहने के उद्देश्य से 11 सूत्री संकल्प लिया, जिसमें काफी शिक्षकगण भी उपस्थित थे और 250 के करीब छात्र छात्राओं को शपथ भी दिलाई गई। प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी सुरक्षा करें, आसपास के तालाब, नदी, पोखर और जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करें, आवश्यकता से अधिक जल का उपयोग नहीं करें, बर्बाद नहीं करें, घर, विद्यालय, आस पड़ोस में वर्षा के जल को संरक्षित करें, बिजली का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करें, विद्यालय आस पड़ोस को स्वच्छ रखते हुए कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें, प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग बंद करें, जीव जंतुओं और पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव का प्रदर्शन करें, नजदीक के कार्य पैदल अथवा साइकिल से करें, और ये सारे शपथ दिलाए। पृथ्वी दिवस में जो कि 8 तारीख को होने वाले साथ, लेकिन सोमवार और मुहर्रम की छुट्टी के कारण अपर मुख्य सचिव महोदय का चिट्ठी है कि 10 तारीख को मनाया जाए। मुख्य रूप से अगर हम इसको देखें तो पर्यावरण को सुधार करने के लिए ही वृक्ष लाना आवश्यक है, क्योंकि अभी वृक्ष के अभाव में पर्यावरण खराब रहता है। और हम लोगों ने अपने विद्यालय परिवार के साथ छात्रों के बीच 11 सूत्री जी उसका संकल्प है कि जैसे पॉलीथीन का उपयोग नहीं करूंगा, पैदल चलूंगा, कूड़ा कचरा में कोई भी गंदगी कूड़ा कचरा के रथ में फेंकूंगा, अलग अलग में फेंकूंगा, इन विभिन्न प्रकार का है जो कि शुद्ध पर्यावरण बनाने के लिए लाभदायक है। जिस तरह जान है तो जहान है, पृथ्वी है तभी इंसान है। और बात राजा सलहेश पूजा की, हर जगह धूम, मलल पट्टी हो या फिर किला घाट, मूसापुर इत्यादि, राजा सलहेश का पूजा ये एक अलग त्योहार, मिथिलांचल की परंपरा और संस्कृति इसमें झलकती है। और विभिन्न जगहों पर राजा सलहेश पूजा का आयोजन मिथिलांचल की संस्कृति और प्रकृति के अनुसार यह पूजन अपने आप में एक अलग स्थान रखता है, जहां मिथिला की झलक दिखती है। राजा सलहेश पूजा का आयोजन अललपट्टी हो या फिर मूसापुर, तरौनी, किला घाट, वहां धूमधाम से मनाया गया यह पर्व। आ रे आ रे आ बा
किया गया। कटहलवाड़ी में एक दिन पहले भाजपा के नगर अध्यक्ष लक्ष्मण झुंझुनवाला ने इसकी शुरुआत की। इसके आयोजक ने बताया, जो प्रोप्राइटर है उन्होंने बताया कि देश भर में इस कंपनी की 100 से अधिक शाखाएं। मिथिला के लोग अब अमृत तुल्य कॉफी का आनंद ले सकते हैं। कटहलवाड़ी में इसका शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया भाजपा के नगर अध्यक्ष लक्ष्मण झुंझुनवाला ने और उन्होंने शुभकामनाएं दी। प्रोप्राइटर राकेश कुमार ने बताया कि कॉफी के 13 वेराइटी यहां उपलब्ध है और यह अमृत तुल्य कॉफी देश भर में इसके 107 ब्रांच है। कंपनी का ब्रांच छत्तीसगढ़ में 20 है, तेलंगाना में 6 है, बिहार के दरभंगा जिले में यह ब्रांच खोला गया है जिसकी एक अलग पहचान है। कटहलवाड़ी मोहल्ला में राकेश शाह जी का यह नया प्रतिष्ठान मैत्री अमृत तुल्य का शुभ उद्घाटन किया गया और यह मुंबई की कंपनी है। बिहार में आज यह पहला प्रतिष्ठान का उद्घाटन हुआ है। इसके डायरेक्टर किराए हुए हैं मुंबई से और यह अपने तरह का दरभंगा में एक नया कॉफी हाउस है। विश्वास है कि मिथिलांचल के लोग यहाँ आएंगे और तरह तरह के चाय का आनंद लेंगे। मैं सुरेंद्र देसाई मैत्री अमृत तुल्य प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर हूँ। मेरा बिहार में ये पहला ब्रांच है, बट उसके पहले हमारे 107 ब्रांच हुए। छत्तीसगढ़ में मेरा 20 ब्रांचेस है, तेलंगाना में मेरा 6 ब्रांचेस है, गुजरात में मेरा 5 है, कर्नाटका में 5 है और महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट 70 ब्रांचेस है। तो हमारे मैत्री अमृत तुल्य का ये जो अमृत तुल्य जो चाह है वो चाह तो अलग सही है, उसके अलावा हम लोग 13 फ्लेवर दे रहे हैं चाह के। बिहार में यह पहली शाखा और 13 तरह के स्वाद का आनंद ले सकेंगे यहाँ ग्राहकगण अमृत तुल्य कॉफी हाउस कटहलवाड़ी में। युवाओं की भूमिका विषय पर एक संगोष्ठी सह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा। आधुनिक दौर में युवाओं की भूमिका क्या है इस पर चर्चा हुई। युवा शक्ति का लाभ देश को प्राप्त हो सकता है और इसमें कई लोगों ने भाग लिया। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। राजनीति की चाल, उठाव और ढलान, नीतीश कुमार ने अपने ढंग से व्याख्या करने को मजबूर किया राजनीतिक पंडितों को। अंक गणित को साबित किया सर्वोपरि, जिसके सामने नीति सिद्धांत बोली वचन का कद छोटा सा। राखी में बाजार रहा गुलजार, भाइयों की कलाई में राखी सजाने की, बहनों की खुशियों से सराबोर रहा श्रावण का आखिरी दिन। और अमृत महोत्सव में डाकघर में प्रदर्शनी के माध्यम से दिखा आजादी के दीवानों का त्याग बलिदान। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अहर्ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।